राइट फ्रेंड्स, लेट अस टेक द नेक्स्ट आर्टिकल. ठीक है, तो आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में. तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारे पास आर्टिकल 18, और ये हमारे पास लास्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी में, क्योंकि आर्टिकल 14 भी हो चुका है, 15 भी हो चुका है, 16 भी हो चुका है, 17 भी हो चुका है, और अब ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल 18 आ रहा है. अब देखो, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, ये जितने भी हमारे पास आर्टिकल हैं, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हम एक तरह से चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, तो हम ना सबको एक लेवल में लेके आ रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एक लेवल में लेके आ रहे हैं. तो जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 हमें ये कहता है कि जो राजा होता है, राजा का जो बेटा है, ठीक है, अब पहले क्या होता था कि भाई राजा का जो बेटा है, जब वो पैदा होगा तो वो राजा बनेगा, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ. कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 18 है ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में. किसके बारे में, अबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में, यानी कि जो डायनेस्टिक होते हैं नेचर में. डायनेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो बाय बर्थ, अगर आप राजा के घर पैदा हुए हैं, क्वीन के घर पैदा हुए हैं, ठीक है, तो ये जो अब टाइटल्स हैं ये आपको नहीं मिलेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ लोगों को ऊपर उठाना है और कुछ लोगों को हमें क्या करना है, नीचे गिराना है, ताकि सब हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए. अब इसके अलावा हालांकि जो मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, आपको जो मिलते हैं वो सब अलाउड होते हैं. जैसे आपको आपको मेजर बना दिया गया है, आपको कैप्टन बना दिया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें अलाउड रहेंगी, ये अलाउड रहते हैं, ये अनटाइटल इनको बोला जाता है. या फिर आपने अकेडमिक टाइटल्स आपके पास होते हैं, जैसे आप डॉक्टर बन गए हैं, आप CA बन गए. जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर प्रदीप अहलावत हूँ, ठीक है, तो मैं लगा सकता हूँ इसको, डॉक्टर प्रदीप अहलावत, इंजीनियर प्रदीप अहलावत, ये सब अलाउड है. लेकिन अब UPSC के हिसाब से जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि आप फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. सपोज करो आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, यू आर हैविंग ए लोड्स ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप क्या करोगे, किसी को भी 100 करोड़ दे दोगे, किसी भी कंट्री को, बहुत सारी कंट्री हैं, काफ़ी कंट्री तो गरीब भी हैं, आप उनको पैसा दे दोगे कि भाई आप एक काम करो, आप जो है मुझे सर की उपाधि दे दो. तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ना इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे कि सर इस फिल्म स्टार को डॉक्टर की उपाधि मिली है. देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड करता है वो सही है, जो अलाउड नहीं करता है, ठीक है, हमें वो डिस्कस करना है. अब अपने एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 18 सब क्लोज 2. तो आर्टिकल 18 सब क्लोज 2 डायरेक्टली ये कहता है कि भाई जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट. तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जैसे मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं किसी फॉरेन स्टेट से, मैं किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करूँगा. ये कौन बताता है, आर्टिकल 18 सब क्लोज 2 बताता है, ठीक है. अब किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, लेकिन क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है हमें वो यहाँ पे पढ़ना है. फाइन, तो ये लास्ट आर्टिकल था. तो ये अब हमारे पास आर्टिकल 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18. तो ये आर्टिकल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है. तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा, हैंड डालिएगा आर्टिकल 18. सो आर्टिकल 18 प्रोवाइड्स अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. आर्टिकल 18 प्रोवाइड्स अबोलिशन ऑफ टाइटल्स विच आर डायनेस्टिक इन नेचर्स, विच आर डायनेस्टिक इन नेचर. ब्रैकेट में लिखिएगा, ओनली एमर्जिंग ड्यू टू बर्थ, फॉर एग्जाम्पल किंग, क्वीन, नवाब, निजाम, ब्रैकेट क्लोज. किंग, क्वीन, नवाब, निजाम, ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा, हाउ एवर अकेडमिक टाइटल्स ब्रैकेट में अर्नड ऑन मेरिट ब्रैकेट क्लोज, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, CA एटसेट्रा आर अलाउड. डॉक्टर, CA एटसेट्रा आर अलाउड. नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा एरो लगा के, मिलिट्री टाइटल्स ब्रैकेट में लिखेगा कैप्टन कोमा मेजर आर अलाउड. जैसे एक मेरा एक फ्रेंड है मेजर जतिन, तो वो लिख सकता है मिलिट्री टाइटल्स कैप्टन कोमा मेजर आर अलाउड. नेक्स्ट, गैलेंट्री अवार्ड्स परमवीर चक्र, वीर चक्र एटसेट्रा आर अलाउड. लास्ट इसमें लिखेगा स्टार लगा के आर्टिकल 18 सब क्लोज 2 प्रोवाइड्स
नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल, शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। फाइन, तो दोस्तों हमारा एक पोर्शन जो है वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें मैंने आपको सभी केसेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू।